नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अफ़गानी चिकन बनाने जा रहा हूं। तो आप इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन के जो पीसेस हैं, ब्रेस्ट पीस और लेग पीस और थाई पीस ले लेंगे। साथ ही में चाहिए ओनियन, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक और ये कोरिएंडर लीव्स। तो दोस्तों आइए हम इन सबको मिक्सी के जार में डाल के एक बढ़िया से इसका एक फाइनल टेस्ट बना लेते हैं। और दोस्तों तब तक मैं आपको बता दूं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डाल दिया है, आप उसे देख के उससे आप जो प्रिपरेशन की जो आइटम है वो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और ये मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में फाइन पेस्ट बना लिया है। तो हम आगे के अगले प्रोसेस के लिए चलते हैं। मैंने चिकन में स्वाद अनुसार आप नमक तकरीबन एक चम्मच इसमें डाल दीजिए। डालने के साथ जो मैंने ये पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट को मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। साथ ही जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स है वो है कर्ड या योगर्ट कह सकते हैं, ये हम डाल देंगे 6 से 7 चम्मच। साथ ही ये है फ्रेश क्रीम, तो ये फ्रेश क्रीम भी इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 40 से 50 ml। और ये है कसूरी मेथी जिसे मैंने बेक करके क्रश कर लिया है, क्रश्ड कसूरी मेथी। साथ ही आधा लेमन जूस, हाफ लेमन का लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ इसमें हम डाल देंगे, ये देख सकती है चाट मसाला, तो 1 चम्मच करीब इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला। और जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है पेपर पाउडर, इसे आप काली मिर्च पाउडर भी कहते हैं, पेपर पाउडर ये भी तकरीबन 1 स्पून मैंने डाल दिया है। और ये है आप देख सकते हैं चिकन मसाला, साथ ही इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से चिकन मसाला, और चिकन मसाला स्प्रिंकल हमने कर दिया है। दोस्तों इस पेस्ट को हाथ से हम बढ़िया से मिला लेंगे, बढ़िया से कि जो इसके कर्ड वगैरह हैं इसके कोटिंग जो है इसके ऊपर बढ़िया से हो जाए। और इसे हम कम से कम 2 घंटे के लिए इसे हमें छोड़ देना है मैरिनेशन के लिए। चलिए मैं इसे मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए डाल देता हूँ। आइए, हमारा 2 घंटा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, और सॉरी इंडक्शन पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो गया तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पीसेज हैं उसको इस पेस्ट में से निकाल के एक एक करके फ्राई कर लेंगे। हीट को आप मीडियम पे रखें। दोस्तों इसे हम पलट लेंगे, अब देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है टेक्सचर इसका निकल के आया है, ब्राउन कलर का ये हो रहा है। तो ऐसे करके हम जितने हमारे पीसेज हैं बारी बारी से उनका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे और पलटते रहेंगे, जिससे ऐसा ना हो कि एक साइड हमारा पक जाए दूसरा साइड कच्चा रह जाए। इसे ढकने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे हमें थोड़े से क्रिस्पी टाइप के फ्राई करने हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो पीसेज हैं ये फ्राई हो गए हैं। इसे मैं